गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, इस घटना के लिए जिम्मेवार और जवाबदेह बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, घर के मुखिया होने के नाते, बिहार के मुखिया होने के नाते उनको इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि उनका शासन, उनका प्रशासन और उनका उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग पूरी तरीके से शराबबंदी को लागू करने में विफल साबित हुआ है, शराबबंदी को लागू करने में असफल साबित हुआ है। जबकि श्री नीतीश कुमार जी ने इस राज्य के अंदर एक तालिबानी कानून बनाया है, एक अंधा कानून बनाया है, और वैसे तालिबानी और अंधे कानून, सख्त कानून के बावजूद यदि उनके शासन और प्रशासन के लोग राज्य में शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संपूर्ण समर्थन के बाद भी राज्य में शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी केवल किसी थाने का इंचार्ज नहीं हो सकता है, इसके लिए दोषी कोई पुलिस का कांस्टेबल नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी घटना जो घट गई, 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और पिछले 4 महीने के अंदर इस राज्य में लगभग 35 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। हर घटना को दबाने और छुपाने का प्रयास सरकार के तरफ से हुआ है, चाहे वह खगड़िया की घटना हो, चाहे वह बेतिया की घटना हो, पटना सिटी की घटना हो, जहानाबाद की घटना हो, गया की घटना हो, सब जगह 3, 4, 2 लोग, 5 लोग मरे और हर घटनाओं में राज्य की सरकार ने वहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, CS पर दबाव बना के सारे रिपोर्ट को बदलने का प्रयास किया।